हेलो गाइस, माय नेम इज़ उद्देश और स्वागत है आपका बॉक्स ऑफ रेसलिंग में। आज के इस वीडियो में बात करते हैं टॉप 5 सुपरस्टार हु विल बी फेस रोमन रेंस एट हेल इन अ सेल। सो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। If you smell what the rock is cooking. टॉप 5, जेमी उसो। जैसे कि लास्ट ईयर हमने देखा था क्या कमाल का मैच हुआ था रोमन रेंस और जे उसो का, जिसके वजह से रोमन रेंस का पूरा हील कैरेक्टर का बिल्ड हुआ था। इस पूरे फ्यूड में रोमन रेंस बस एक चीज़ करना चाहते थे, दैट जे उसो एक्नॉलेज हिम एज अ ट्राइबल चीफ। सो इस साल भी WWE सेम थिंग फॉलो कर सकती है जेमी उसो के साथ। और इन सब स्टोरी लाइन में एक चीज़ देखने बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि जे उसो का इसमें क्या रोल होता है। टॉप 4, एलिस्टर ब्लैक। जब से WWE स्मैकडाउन में एलिस्टर ब्लैक का रिटर्न हुआ है, तब से ये लग रहा है कि एलिस्टर ब्लैक का मेगा पुश यहीं से स्टार्ट हो गया है। सो क्यों ना आते ही WWE उनको स्मैकडाउन के सबसे बड़े टाइटल के लिए फ्यूड दे दे अगेंस्ट रोमन रेंस। ये आने वाले टाइम में सबसे अच्छा मैच हो सकता है रोमन रेंस के टाइटल फ्यूड के लिए। लेकिन अगर मुझसे पूछे तो इसकी पॉसिबिलिटी अभी थोड़ी कम लगती है, लेकिन आने वाले टाइम में ये ज़रूर पॉसिबल हो सकता है। टॉप 3, शिंसुके नाकामुरा। इस फेक टॉकिंग स्मैक में शिंसुके नाकामुरा ने चैलेंज कर दिया रोमन रेंस को फॉर द यूनिवर्सल चैम्पियनशिप, जो कि एक स्पॉयलर हो सकता है हेल इन अ सेल मैच के लिए। पहले सिजारो की स्टोरी लाइन भी यहीं से स्टार्ट हुई थी, सो क्या पता इस बार शिंसुके नाकामुरा की स्टोरी लाइन भी यहीं से स्टार्ट हो। टॉप 2, सिजारो। जैसे कि सिजारो वर्सेज रोमन रेंस का कितना अच्छा मैच हुआ था WWE रेसलमेनिया बैकलैश में, तो वापस से सिंपली सिजारो चैलेंज कर सकते हैं रोमन रेंस को एक और टाइटल अपॉर्चुनिटी के लिए, बिकॉज बैकलैश में सिजारो हुए थे पास आउट नॉट पिन। सो इस वजह से सिजारो वापस चैलेंज कर सकते हैं रोमन रेंस को एक और टाइटल शॉट के लिए। टॉप 1, सेट रॉलिंस। अभी तक हम देख चुके हैं रीसेंट कुछ टाइम में रोमन रेंस और सेट रॉलिंस सेम पेज पे दिख रहे हैं। जब से रोमन रेंस का हील टर्न हुआ है, सेट रॉलिंस वर्सेज रोमन रेंस एक अच्छा मैच हो सकता है, जो पॉसिबली इन फ्यूचर देखने को भी मिल सकता है। बट इन अ हेल इन अ सेल इसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम है। जैसा कि हम देख रहे हैं सेट रॉलिंस की फ्यूड सिजारो से हो रही है, रोमन रेंस की फ्यूड भी सिजारो से हो रही हो, तो क्या पता ये एक डायरेक्शन हो ट्रिपल ट्रेट मैच के लिए फॉर द यूनिवर्सल चैम्पियनशिप एट हेल इन अ सेल। लेट्स सी कौन होता है अपोनेंट रोमन रेंस के लिए। वेट करते हैं नेक्स्ट स्मैकडाउन के लिए। सो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपनी अगले वीडियो में। गुड बाय।